हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका आप सभी का अपने चैनल प्रियंका सिलाई एंड कढ़ाई में स्वागत करती हूँ। दिवाली के मौसम में सभी लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, इसलिए मैं सिलाई के वीडियो टाइम से नहीं डाल पा रही हूँ। मेरे घर में भी बहुत सारा काम है और बहुत सारी साफ सफाई चल रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी सामान हम रख रहे थे। हमने सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए और आप सभी के साथ शेयर किया जाए। मेरी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गई है, मैंने बनाया था साड़ी से पायदान। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ही जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मेरी उस वीडियो में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और मेरा वॉच टाइम भी पूरा होने वाला है। काफ़ी खुशी हो रही कि मैं एक हाउस वाइफ होकर घर में रहकर कुछ कर पा रही हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ आप सभी की सपोर्ट से। तो मैं आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से करना चाहती हूँ। आप अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह आप बनाए रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सिलाई सिखाती हूँ, सिलाई से रिलेटेड ही वीडियो मेरे चैनल पर आते रहते हैं, तो सिलाई से जुड़ी सारी जानकारी आपके पास मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। वैसे तो सभी लोग पैसे देकर सिलाई सीखते हैं और टाइम निकाल कर जाकर इंस्टीट्यूट में सिलाई सीखते हैं, पर मैं घर बैठे आप सभी को सिलाई सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आपको सिलाई सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आपको अगर घर बैठे सिलाई सीखना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अभी से लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे कमेंट आया था कि ये जो मेरी शोल्डर पट्टी है आप देख सकते हैं, ये मैंने स्लीवलेस ब्लाउज बनाया था, इसमें आस्तीन नहीं लगी हुई है, ये मैंने ऐसे ही बनाया था। मेरी शोल्डर पट्टी है वो मैंने काफ़ी चौड़ी रखी है क्योंकि मुझे ज़्यादा पतली नहीं पसंद है, तो मैंने इतनी ही रखी है, तो मेरी छोटी छोटी आस्तीनों का भी काम कर रही है। तो अगर आप इससे भी छोट पतली वर्दी का स्लीवलेस ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। जो स्लीवलेस इससे पतला सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये कटिंग करके रखा हुआ है, तो उसके लिए मैंने ये कटिंग करके रखा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये कपड़ा है, इसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, मैं आपको बैक कैमरे करके दिखा रही हूँ। यहाँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से इसकी यहाँ तक की लंबाई ली हूँ 6 इंच, और उसके बाद गले को मैंने लिया है 3 इंच का गला, इसमें 3 इंच रखते हैं। अगर आपको थोड़े से भी स्लीव कम चाहिए तो आप इसमें 3 इंच करें, और जब सिलाई होगी तो आधा इंच इस तरफ से दबेगा, आधा इंच इस तरफ से दबेगा, तो आपकी पट्टी जो है वो सिर्फ 2.5 इंच की बचेगी। तो इस तरह से, तो आप इस तरह से इस स्लीवलेस ब्लाउज को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको ब्लाउज सिलना आ जाएगा। त्यौहार का मौसम है तो इसलिए घरों में हाउस वाइफ अपने घर की साफ सफाई में लगी रहती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। दोस्त अगर कोई हाउस वाइफ घर पे रहकर काम की शुरुआत करना चाहती है, अगर YouTube पर काम करना चाहती है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सिलाई से अलावा कोई और चीज़ आती है, आपको कुकिंग आती है, आपको कढ़ाई आती है, या फिर आप जो भी काम करती हैं, आप अपना YouTube पर चैनल बनाकर उसमें आप अपने काम को दिखा सकती हैं, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। वैसे तो लोग बहुत लोग होते हैं जो ताने मारते हैं, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि नाच नाच के वीडियो बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो अब यूट्यूबर बन जाएंगी, तो ऐसे लोगों को मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। अगर मैं यूट्यूब पर सक्सेस हो गई तो आपको मेरा काम ही आपके मुंह पर तमाचा मारेगा। ये सारी औरतों के लिए मेरी ये बात है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहती तो आप अपने काम पर फोकस कीजिए, दुनिया क्या कहती है उस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने काम पर फोकस किया है और मुझे लगता है कि मैं सफलता की ओर बढ़ रही हूँ। तो मेरा जो काम है वो अब काफ़ी चलने लगा है YouTube पर, मेरे वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं और मेरा वॉच टाइम भी आधे से ज़्यादा पूरा हो गया है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो यही है कि अगर कुछ दिनों बाद मैं भी YouTube से अपनी अर्निंग कर पाऊँगी। बहुत ही खुशी होती है दोस्तों ये जान करके कि हाँ मैं भी कुछ कर पाऊँगी, और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ होता है हमारी ऑडियंस का। जो मैं काम करती हूँ, जो सिखाने की कोशिश करती हूँ, वो मेरी ऑडियंस को पसंद आता है। ये जो दिख रहा है ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, आपको आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये है मेरा स्टैंड, मैंने ये मीशो से मंगाया था। मैंने पहली बार यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए जो खर्चा किया था वो यही है, इसको मैंने सिर्फ मंगाया, बाकी मैंने कुछ नहीं मंगाया।
उसी मेरा काम है, तो मैं उसी को दिखाने की कोशिश करती हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। मैंने कोई भी पैसा नहीं खर्च किया है वीडियो बनाने के लिए, बस ये ट्राइपॉड मैंने मंगाया था, मात्र 150 रुपये का ये मिला था। तो इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आसानी होती है मोबाइल को टांग कर बनाने में। तो और उसके बाद पहले मैं ये जो चेयर दिख रही है, क्योंकि ये जो चेयर दिख रही है उसके पहले मैं यहाँ पर ये तार बांध के मोबाइल को अटका कर वीडियो बनाती थी, बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाती थी काफ़ी टाइम तक। दोस्तों मैंने इसी तार में से लटका लटका कर वीडियो बनाई है, तो मैं ज़्यादा सीरियस नहीं थी यूट्यूब को लेकर के, लेकिन अब मेरी एक वीडियो वायरल हुई जब से, तब से मुझे ऐसा लगने लगा नहीं कुछ होता है यूट्यूब पे, कुछ तो होता है। अब क्या होता है ये हम आगे चलकर ही जान पाएंगे कि क्या होता है, लेकिन हाँ बड़ी खुशी होती है कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रोत्साहन मिलता है कि चलो और वीडियो बनाई जाए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं खर्चा करना है, बस थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ता है, बाकी अपने काम पर फोकस करना। ये जो चेयर आप देख रहे हैं, कुछ लोग जानते हैं कि मैं पार्लर का भी काम करती हूँ, तो ये चेयर उनके लिए जैसे थ्रेडिंग बनाना हुआ, फेशियल वगैरह करना हो, इसलिए मैंने चेयर मंगाई थी। ज़्यादा बड़ा मेरा पार्लर नहीं है, बस गांव में ही खुला है। हाँ अगर आप लोगों की सपोर्ट और प्यार इसी तरह बना रहा तो मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा पार्लर खोल लूँगी। मेरा ड्रीम यही है कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मेरे ड्रीम को पूरा करने में। अगर यूट्यूब से मुझे कुछ भी अर्न होता है तो मैं सिर्फ वो पैसा अपने काम पर लगाऊंगी, उसके बाद मैं काफ़ी लोगों की हेल्प करूंगी। तो बस यही सोच रखते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या होता है ये कोई नहीं बता सकता। तो चलिए अब वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।